नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव, इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 40 में हम बात करेंगे आज। उससे पहले आज 1 अक्टूबर है और 4 दिन के बाद हरियाणा में जो 14वीं विधानसभा के बाद इलेक्शन की वोट डलेंगी 90 विधानसभाओं पे, और भारतवर्ष के महान भारतवर्ष के गणतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी होगी वन वोट वन वैल्यू के आधार पर, कि वो किस टाइप का भी आदमी है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जात और धर्म का आदमी है, वो अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग करेगा। ये दूसरी बात ये है कि वो किसको वोट देगा और किसकी सरकार बनेगी, ये उसकी आसपास की मनोदशा और उसकी प्रभावित करने वाली राजनीतिक पार्टियों पे डिपेंड होगा कि कितनी राजनीतिक पार्टियाँ उस तक पहुँची हैं और अपने वायदे, चुनावी वादे, संकल्प पत्र लेकर जो पहुंच रही हैं, वो कितना उससे प्रभावित हो चला है, हो रहा है, और उसका क्या वो निष्कर्ष निकालेगा 8 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को मतगणना होगी और 8 तारीख को लंच तक पता चल जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी वोटें, कितनी सीटें मिली हैं। 90 सीटों में से तो 40 सीटें हासिल कर लेगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या वो गठबंधन जो जो चुनाव लड़ रहा है, या अभी जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं वो गठबंधन में शामिल होके एक दूसरे के साथ 40 सीटों की मेजोरिटी के साथ माने महामहिम राज्यपाल जी को अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। और माने महामहिम के आदेश अनुसार जिस पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन का दावा संख्या के आधार पर ज़्यादा होगा उसी को सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। यहाँ संख्या की बात होगी कि सीटों की संख्या किसके पास होगी। अभी जो दौड़ धूप है राजनीतिक दलों की वो वोटों की संख्या से है, बाद में सीटों की संख्या की बात होगी। तो आज का जो टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 40 में गठबंधन पे होगा। हरियाणा में दो गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन, दूसरा है जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन। ये जो गठबंधन है उनकी हम मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है और 19 में जो वोट प्रतिशत की उपस्थिति थी उसका हम जायजा लेंगे। इससे ये साबित होगा कि जो लोग दो मुख्य पार्टियों को हरियाणा का सर्वेसर्वा मान के चल रहे हैं, अगर तीसरे मोर्चा अगर आता है अच्छे सीटों के साथ वो किंग मेकर हो सकता है। दूसरा नतीजा ये होगा कि इसके बिहार पे आपको पता चलेगा कि तीसरा जो गठबंधन है अलग दो पार्टी अलग अलग का वो कितनी मजबूत स्थिति कहाँ कहाँ पे है। अभी हम तमाम जहाँ तक हमारी पहुँच है
हम जो पढ़ते हैं समाचार पत्र में, मैगजीन में, यूट्यूब चैनल देखते हैं, रील देखते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं, होल्डिंग पोस्टर बैनर देखते हैं, गाड़ियों के काफिले देखते हैं, तो किन किन के अलग सब के ही देखते हैं, लेकिन उसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, ये भी हमें समझना है। कुछ उसमें निर्दलीय भी हैं, क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में 377 निर्दलीय लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से महज 7 कैंडिडेट जीते थे। इस बार उनकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन मौजूदा हम जो देख रहे हैं वो गठबंधन पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे तमाम राजनीतिक वायदे, घोषणा पत्रों के साथ, या धर्म, जाति, आरक्षण, संविधान की अलग अलग वायदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या एक दूसरे को कोस रहे हैं, या एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। जैसे कि हम उनको सुनते भी हैं और उनको हम देखते भी हैं, अखबार भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है, साथ में लोकहित पार्टी का जो गठबंधन है, तीन इसमें दल है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल और लोकहित पार्टी। तो यहाँ इसमें हम ये देखते हैं कि जो 2019 का इलेक्शन लड़ा बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है। 3 बार जो सरकार रही वो कम समय में रही, लेकिन 7 से 12 का जो समय है वो 5 साल का रहा। और हरियाणा में वो चुनाव लड़ रही है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ 19 में भी इनका समझौता हुआ था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल में से ही जननायक जनता पार्टी बनी। पारिवारिक कलह के कारण समझौता टूट गया और दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ, काफ़ी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी सीटें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जीतने वाली थी। कम से कम जो वोट बैंक था वो 20% के आसपास जाने वाला था, लेकिन वो सीटें जो 10 सीटें जजपा को गई, वो सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को जाने वाली थी, और उसमें से अगर 5 सीटें गठबंधन की आ जाती तो 16 सीटें आ सकती थी 2019 के इलेक्शन में, या उससे ज़्यादा आ सकती थी, इतना मैं समझता हूँ। लेकिन वो गठबंधन टूटा और जजपा एक पार्टी बनी, और लोगों का जो रुझान था वो एकदम नया चेंज हुआ यंग पर्सन के साथ, और जजपा नई नवेली पार्टी बनकर उभरी और 10 सीटें ली और स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड हुई। तो हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का जो 19 में जो 9 में जो ग्राफ था, 15.5-16% का अकेले अपने अकेले दम पे 16-17-18 के आसपास उनका प्रतिशत था। अब वो धीरे धीरे कम होता गया। अब इसमें जो मौजूदा जो सेपरेट इलेक्शन लड़ा बहुजन समाज पार्टी ने, वो 4.5% उनका वोट बैंक रहा, और बहुजन समाज पार्टी ने 5,18,442 वोटें हासिल की। सीटें उनको नहीं मिली, लेकिन
दो सीटों पे वो दूसरे नंबर पर रहे और 8 सीटों पे वो तीसरे नंबर पर रहे। इंडियन नेशनल लोकदल जो 19 में ही को भारी नुकसान झेलना पड़ा, उनको 1 सीटें मिली और 3,06,828 वोट उनको मिली, जो 2.5 से 3% उनका वोट बैंक हासिल हुआ। इस बीच पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट जीतने पे हासिल हुई और 3 सीटों पे वो तीसरे स्थान पे रही और 3 सीटों पे वो आठ आठ सीटों पे वो तीस 2 सीटों पे वो तीसरे स्थान पे रही और 8 सीटों पे वो तीसरे स्थान पे रही। इसके साथ जो लोकहित पार्टी है हरियाणा में, गोविंद कांडा की जो पार्टी है, सिरसा डबवाली रानिया और फतेहाबाद का जो की जो असेंबली है उन पे इनका असर है। तो 5 सीटों पे चुनाव लड़ा, उसमें से एक सी जो सीट है सिरसा की इन्होंने जीती, और 1 सीट पे वो दूसरे नंबर पे रहे और 1 सीट पे वो तीसरे नंबर पे रहे और बाकी वो पहले बाद 5 या 6 में रहे, यानी कि इनका वहाँ ज़्यादा प्रभाव है। तो अब तीनों मिला के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जिन सीटों पे अच्छा असर है गठबंधन का, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और लोकहित पार्टी का, उन सीटों पे मैं बात करूँगा। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, राज्यसभा की पूर्व सांसद, लोकसभा की पूर्व सांसद की आज रैली है जगाधरी में, कल असम में रैली थी, उससे पहले उचाना में रैली थी ताऊ देवलाल जी की जयंती पे, यानी कि 4-5 रैली बहन कुमारी मायावती जी की हैं। वोट बैंक तभी बढ़ता है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बड़ा लीडर लोगों के सामने आता है और अपनी बात रखता है और कार्यकर्ताओं के साथ वोटरों को उत्साहित करता है। सभी पार्टी ऐसी करती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो नेतृत्व है, अभय चौटाला जी और उनके फादर ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके पुत्र, तीन मिलके यानी कि 4 लोग उनके घर से चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग जगह से। तो हम उन सीटों पे बात करेंगे जिसपे सीधा असर, बड़ी टक्कर है। ये 30 सीटें हैं जिसपे मैं बात करूँगा। आपको थोड़ा लग सकता है कि 30 सीटें कितनी कहाँ हैं, कौन कौन सी हैं। अगर 30 सीटों में से भी 15 सीटें वो जीत गए तो वो किंग मेकर हो सकते हैं, नो डाउट। बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले 5.5% वोट बैंक ले सकती है तो ज्वाइंट में वो 8% वोट ले सकती हैं। 4 तो उसका वैसे ही बढ़ जाएगा, एक वोट जब डालेगा किसी दूसरे में तो 4% तो वैसे ही बढ़ जाएगा, यानी कि 9.5% वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का जा सकता है। वहीं दूसरी बात ये है कि इसमें जो जननायक जो जनता पार्टी है, जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी एक नई पार्टी है आज़ाद सिंह की, एडवोकेट आज़ाद सिंह अभी नगीना से सांसद चुने गए हैं पार्टी की तरफ से, यंग है। इसमें से अगर जजपा के जो वोटर हैं, जो 14% जो वोट बैंक है,
अगर 14% वोट बैंक में से भी अगर ट्रांसफ़र होता है, जैसे भी होना तय है, क्योंकि 10 जो उनके MLA उसमें से 7 तो चले गए हैं, और बहुत बड़ा जो धक्का लगा है कार्यकर्ताओं को, वोटरों को, कि जो बात पहले भारतीय जनता पार्टी में न जाने की थी, सेपरेट चुनाव लड़ने की थी, वो जननायक जनता पार्टी नहीं कर पाई, और किसानों के मुद्दे पे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, और हर जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें एक बात और है कि जो 25 मई को चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जो उचाना हल्का है, जिससे डिप्टी सीएम को 97,000 वोट मिले थे 2019 में, उसमें 5,000 वोट आई हैं, जैसे कि पूर्व राज्यसभा सांसद बीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे पिछले दिनों अपनी आम सभा में कि जमानत भी जब्त हो सकती है, लेकिन समय का हम कह नहीं सकते कि क्या समय है, कुछ भी हो सकता है। अंदाज़ा कोई लीडर कुछ भी कह सकता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। लीडर केवल एक दूसरा लीडर केवल दूसरे लीडर की मनोदशा पे अटैक ही नहीं करता है, उसके कार्यकर्ताओं पे भी अटैक करता है, उसके वोटरों पे भी अटैक करता है, मानसिक रूप से अटैक करता है, ताकि वोटर इधर से उधर हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी लॉस होने वाला है जजपा पार्टी को, अगर उसमें से 14% में से जो जाट सोसाइटी है, जो जाट बैंक अगर हम मानते हैं, उसमें से 8-10 जो वोट बैंक माने, उसमें से आधा वोट भी ट्रांसफ़र हो जाता है पुरानी पार्टी को, जननायक जनता पार्टी के वोट में से आधा वोट अगर पुरानी पार्टी में ट्रांसफ़र हो गया, तो यह बहुत बड़ी बात होगी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए और गठबंधन के लिए। दूसरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर एक जो कैटेगरी है, जो चमार जो कैटेगरी 80 में, अगर 10%, जैसे हमने बात भी की है दलित वोटर किधर है, अगर उसमें से 10 में से 5% वोट भी ट्रांसफ़र हो जाता है, 5% वोट सभी वोटों सभी अन्य पार्टी को देता है, अगर 5% वोट ट्रांसफ़र हो जाता है बहुजन समाज पार्टी को एक और गठबंधन को, तब भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। और दूसरा जो समाज, जैसा कि वो कहते हैं कि हम 123 जातियों के बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं और बहुत बड़े वादे किए हैं गठबंधन ने, कि जो फ्री बिजली होगी और प्लाट होगा, और प्लाट पे 2 कमरों का एक मकान होगा, और अन्य भी हैं। तो यहाँ पे हम जो 30 सीटों पे बात कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। जगाधरी जो सीट है, एक है ये अंबाला सीट, अंबाला लोकसभा के अधीन जो गठबंधन सीटें जीत सकता है या कड़ी टक्कर में है, ये हमें समझना होगा। जगाधरी पे 2009 में अकरम खान साहब थे बहुजन समाज पार्टी के, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और डिप्टी स्पीकर भी बने, तो इन पे काफ़ी असर है जगाधरी में। मुलाना जो सीट है, मुलाना सीट बहुजन समाज पार्टी की खाते में आई है, इस पे भी ज़्यादा असर है। यमुनानगर जो सीट है, सढ़ोरा जो सीट है, ये 4 जो सीटें हैं अम्बाला लोकसभा में, उन पे कड़ी टक्कर गठबंधन दे रहा है। उसके साथ जो करनाल जो लोकसभा के अंतर्गत असंध जो सीट है, अभी 2 दिन पहले
एक दिन पहले रैली भी हुई है असम में बहन मायावती जी की, गठबंधन की। और असम जो सीट है पिछली बार 500-600 वोटों से, जो अभी राणा साहब हैं उनके फादर जो नरेंद्र जो राणा जी हैं, वो केवल महज 500-600 वोटों से जीत से हारे थे। अभी उनके बेटे हैं गोपाल राणा, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सीट कलियर मानी जा रही है, इसके साथ इंद्री जो सीट है और नीलोखेड़ी सीट है। करनाल की 10 सीटों में से 3 सीटें कड़ी टक्कर में हैं गठबंधन की। इसके साथ जो भिवानी है, भिवानी में अटेली जो मंडी है और नांगल चौधरी, 2 सीटें बड़ी टक्कर में हैं गठबंधन जीतने की। रोहतक में 2 सीटें हैं, एक बहादुरगढ़ जो सीट है और दूसरी है बादली। तो रोहतक जो लोकसभा है आमतौर पर ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इसमें एक बड़ी टक्कर ये भी है कि मनीष ग्रोवर और बीबी बत्रा साहब, और रोहतक जो सिटी की जो सीट है उस पे भी बड़ी टक्कर है। लेकिन क्या है कि यहाँ भी बहादुरगढ़ और बादली की जो सीट है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की कड़ी टक्कर में है। कुरुक्षेत्र की जो 3 सीटें हैं जिसमें कलायत जो है, कलायत सीट पे बड़ी टक्कर है। दूसरा लाडवा जो सीट है और तीसरा पेहवा। लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी टिकट सीट पे टिकट लड़ रहे हैं अपने पे, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो पहले एमएलए बने नारायणगढ़ से, लेकिन नारायणगढ़ से टिकट नहीं लड़ना था उनको, और फिर एमएलए बने मनोहर लाल जी के बाद, छोड़ने के बाद करनाल के। तो करनाल के लोगों ने विरोध किया जैसे कि अंदरूनी बातें हैं, इसलिए करनाल सीट पे भी अपना दावा नहीं ठोक पाए, जैसे वो पूरे हरियाणा को परिवारजन बोलते हैं। लेकिन करनाल में भी उनकी दाल नहीं गिली, लेकिन उनको फिर नारायणगढ़ को मैं तो कहूँगा कि भय था अपनी सीट से, क्योंकि नारायणगढ़ की एक सीट की वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने लाडवा सीट को चुना। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री पूरी 90 सीटों में से किसी को भी चुन सकता है, अच्छी बात है। लेकिन नारायण जो लाडवा जो सीट है, लाडवा सीट पे जो अभी सिटिंग एमएलए हैं मेवा सिंह, कांग्रेस की तरफ से मेवा सिंह। मेवा सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, लेकिन निर्दलीय लीडर बने मेवा सिंह जी, और निर्दलीय लीडर के बिहा पे उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एक बार टिकट दिया लेकिन जीत नहीं पाए, दूसरी बार टिकट नहीं दिया, और दूसरी बार वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। और अभी लाडवा के जो सिटिंग एमएलए मेवा सिंह जी हैं, तो इस पे नायब सिंह सैनी जी हैं, और शमशेर सिंह बड़सामी की जो वाइफ हैं वो इस पे चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पे कड़ी टक्कर है, इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री का जीतना। अगर जीत होगी तो कुछ महज सीट वोटों से ही होगी, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता कि मैं ना तो जीतने की बात कर रहा हूँ ना मैं हारने की बात कर रहा हूँ, लेकिन कड़ी टक्कर की बात कर रहा हूँ। और क्लियर की तो जनता ही, लाडवा की जो जनता है, सम्मानित जो वोटर हैं सभी सीटों के, वहीं डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे कड़ी टक्कर है तीनों की। गठबंधन की तरफ से जो शेर सिंह बड़सामी की जो का जो रुतबा है वो एक अलग ही रुतबा है, और जो सिटिंग एमएलए का है वो एक अलग है, और दूसरा जो मुख्यमंत्री हैं जो हमारे लीडर हैं स्टेट के, उनका एक अलग है। लेकिन तीनों ही बड़ी टक्कर में हैं, लेकिन इसके साथ गठबंधन भी एक टक्कर में है, मैं ये कहना चाहता हूँ। पेहवा जो सीट है, पेहवा सीट से भी कड़ी टक्कर में है गठबंधन।
दूसरा क्या है कि सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा लोकसभा सीट से इलाहाबाद जो सीट है, अभय सिंह चौटाला इस पे चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद सीट से। जैसा कि वो कई बार इस पे चुनाव जीत चुके हैं, उपचुनाव भी जीत चुके हैं, तो ये क्लियर सीट है। इस पे कोई भी की तरह भी प्रोपगेंडा कर ले वो हार नहीं पाएंगे। जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो साहब हैं, जो साफ गढ़ी साफ लखनऊ हैं, आप उसको हरा नहीं पाओगे। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि वोट ही इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तोसाम हल्का, एक तोसाम सीट है, तोसाम पे किरण चौधरी कितनी बार सीटें, कितनी बार वो कांग्रेस की तरफ से MLA बनी, फिर मंत्री बनी, अब वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में है और साथ में उसकी बेटी जो श्रुति चौधरी है तो उस सीट पे है। तो कड़ी टक्कर में ही ना सही, लेकिन वहाँ पे जीतने का जो आसार है उन्हीं के हैं। चौथी जो सीट है आपका आदमपुर जो सीट है, बिश्नोई जो सोसाइटी है, बिश्नोई जो समाज हरियाणा का, भजन लाल जो फैमिली की सीट रही, पहले भजन लाल जी रहे, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी रहे, उसके बाद अब भव्य बिश्नोई उसमें दूसरी बार सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में भी कांग्रेस से BJP में शामिल होने के बाद जीते, अब फिर भव्य बिश्नोई सीट पे है। तो ये चार पांच जो सीट हैं ये पुश्तैनी सीट कह देनी चाहिए, डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो इलाहाबाद भी जो सीट है तो वो इस तरह से हैं, मैं इस तरह इस बिहाब पे कह रहा हूँ। काला वाली जो सीट है उस पर कड़ी टक्कर है गठबंधन की, क्योंकि इस पे काला वाली जो सीट है इस पे जो लोकहित पार्टी भी ये मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में, लेकिन पार्टी ने टिकट सीट नहीं दी गोविंद गांडा जी को, तो ये उसमें शामिल हुए इंडियन नेशनल लोकदल में। और बहुजन समाज पार्टी 20 सीट पे है, तो काला वाली सीट टक्कर में है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर में है। डब वाली जो सीट है वो भी जो टक्कर में है, बहुत ज़्यादा है कि इंडियन नेशनल लोकदल और गठबंधन के खाते में जाएगी। रानिया जो सीट है, चौधरी रणजीत सिंह अभी जो बिजली मंत्री थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, और फिर से वो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। कई बार क्या होता है कि मैं आपकी पार्टी में शामिल हो जाता हूँ निर्दलीय चुनाव जीत के, और कई बार क्या है कि पार्टी आपको अपना ना माने, अपना ना बनाए, तो उसी आधार पर चौधरी रणजीत सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नहीं बनाया और उनको टिकट नहीं दी। तो टिकट नहीं दी तो चौधरी साहब फिर निर्दलीय उस सीट पे आए हैं। तो इस पे रानिया सीट पे फैमिली ही सीट लड़ रही है, चौटाला फैमिली यानी कि दुष्यंत की फैमिली उस पे लड़ रही है, और चौधरी रणजीत सिंह लड़ रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला जी के जो बेटे हैं वो लड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फैमिली इसमें लड़ रही है, तो ये भी कड़ी टक्कर में। सिरसा जो सीट है, सिरसा की जो प्रॉपर जो सीट है उसमें लोकहित पार्टी की तरफ से पिछला जो इलेक्शन हुआ वो गोविंद काडा ने अपनी पार्टी की तरफ से उस पर जीत हासिल की। उससे पहले जो सीट है ये गोविंद काडा की सीट थी, बाद में पार्टी उन्होंने बनाई। तो ये पांच जो सीटें हैं, एलनाबाद, कालावाली, डब वाली, रानी और सिरसा, इसमें से कितना आपको ये लगता है कि वो हार जाएंगे? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उस पे वो हार जाएंगे, लेकिन इसमें से अगर हम पांच में से अगर तीन का भी प्लान करें तो तीन सीट तो उसके आ ही सकती हैं, नो डाउट। तो सिरसा में से नू, गुरुग्राम में तीन सीटों पे उनका काफ़ी होल्ड बताया जा रहा है। नू लोक जो विधानसभा है, और सोना और पूना, ये तीन सीटों पे उनकी कड़ी टक्कर में है। उसके बाद सोनीपत की दो सीटें हैं जिस पे कड़ी टक्कर में है गठबंधन, जींद और बड़ौदा, ये बड़ी टक्कर में है जींद और बड़ौदा की सीट पे। और फरीदाबाद जो लोकसभा है उस पे तीन सीटों पे, एक पिथला जो सीट है, पिथला सीट पे टक्कर में क्यों है? क्योंकि ये पिथला जो सीट है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सीट रही है, और
जो टेकचंद शर्मा जी हैं वो बहुजन समाज पार्टी के एमएलए रहे हैं, और इस कारण से काफ़ी इस पे प्रतिशत जो वोट का प्रतिशत है बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों पार्टियों के जो वोट मिलते हैं तो डबल हो जाते हैं, तो यहाँ सभी पे डबल हुए हैं इनके, ऐसा है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो पेथला सीट पे भी बहुत बड़ी टक्कर में, हाथीन जो सीट है इस पे भी बड़ी टक्कर में है, और एक होडल जो सीट है, इन तीन सीटों पे बड़ी टक्कर में है। आप इसका कुछ दूसरा अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या, या वो गोर सीट उस फरीदाबाद में हो सकती है। इसके बाद जो हिसार जो लोकसभा है, हिसार जो लोकसभा में नारनौंद जो है, नारनौंद जो सीट है जिसमें अभी अभी जननायक जनता पार्टी के जो विधायक थे राम कुमार गौतम साहब, जो सबसे ओल्ड विधायक हैं सिटिंग हरियाणा में अभी फिलहाल के, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो इस अभी वो सफेदों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नारनौंद जो सीट है अभी ये जाट बहुमूल्य सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जाट संख्या में है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व मंत्री वित्त मंत्री 2024 में तो 14 में जो जीते पहली बार, कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दी है। कैप्टन अभिमन्यु रामकुमार गौतम से हार गए थे, तो रामकुमार गौतम को ट्रांसफ़र करके सपेदों की टिकट दे के अभिमन्यु जी को ये टिकट दी है। तो यहाँ पे एक उमेद सिंह लोहान जी हैं गठबंधन की तरफ से, ये सीट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आई है। उनका भी वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त कंपेन चल रहा है, कैप्टन अभिमन्यु का भी है नो डाउट। लेकिन क्या है कि जो जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टक्कर में है, जीत किसी की भी हो लेकिन हम यहाँ टक्कर की बात कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि किस सीट पे क्या है। उकलाना जो है, जो सीट है उस पे बड़ी टक्कर में एक है सीट, भवानी खेड़ा इस पे भी कड़ी टक्कर में है। ये कुल मिला के 30 सीटें हैं जो गठबंधन पूरी टक्कर के साथ इसमें चुनाव लड़ रहा है। इसमें जो बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर हैं आकाश आनंद जी, काफ़ी शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, तीसरा कोई एजेंडा ही नहीं है उनका। अब उनको एक बार सुनिए, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार तीन चीज़ों पे ही फोकस है, चौथा उनका फोकस ही नहीं है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो एक बार सुन सकते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी आप जो कह रही हैं आपस में वो तो हम सुनते ही हैं, लेकिन हम थर्ड फॉर्मेट थर्ड पर्सन को अगर हम एक बार सुन ले तो उसमें हमें एक सिनेरियो हमें पता चलता है कि गठबंधन के लीडर किस तरह से अपने वोटर को अपने पाले में, यानी कि अपने विधायक के पक्ष में करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो ये 30 जो सीटें हैं, 30 सीटों पे बड़ा टफ कंपटीशन है। अगर 30 में से अगर ये कहें कि वो 15 सीटें, अगर हम 15 सीटों पे भी आ जाएं तो 15 सीटों पे क्लियरिटी उसमें हम ये कह सकते हैं कि कल का जो नतीजा कुछ भी हो लेकिन टक्कर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इन 30 सीटों पे। तो ये बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है, साथ में जो लोकहित पार्टी का जो गठबंधन है, इन तीनों का गठबंधन की ये हम एक समीक्षा हम कर रहे थे। अब एक गठबंधन है आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का। आज़ाद समाज पार्टी जो है, अभी हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अभी सांसद नगीना से बने आज़ाद सिंह। तो उसमें क्या है कि और जननायक जनता पार्टी को हम सभी जानते हैं, तो यहाँ तक कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 7 10 में से अगर 7 MLA चले जाएं तो आपके पास क्या रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि आज़ाद समाज पार्टी का जहाँ तक मैं और इनका मैं आज़ाद समाज पार्टी का तो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, तो उसका खुद का कोई वोट बैंक नहीं है असेंबली इलेक्शन में। हालांकि लोकसभा में उन्होंने कुछ सीटों पे खुद चुनाव लड़ा है, कुछ सीटें कुछ 1,500 वोट उनकी आई हैं,
यहाँ पे क्या है कि जो मेन जो चीज़ है जननायक जनता पार्टी, जिसमें डिप्टी जो पूर्व डिप्टी सेम है दुष्यंत चौटाला जी, तो यहाँ सबसे बड़ा फोकस वो है और उनके जो छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला जी, वो हैं जो एक सीट से सिरसा लोकसभा सीट किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसा कि जनता का रुझान है, ठीक है, एक लीडर जब रैली होती है तो बहुत पूरे हरियाणा से एक जगह लोग आते हैं, जब रोड शो होता है तो अब रोड शो देखिएगा तो रोड शो में भी बहुत सारी गाड़ियाँ एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं होती हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को से ली जाती हैं और कार्यकर्ता भी इस तरह से लिए जाते हैं। तो ये एक में नहीं होता है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, ये आप उसमें देखिएगा। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक सीट पे इनका एक बड़ा दावा है, एक सीट आने का, वो सीट है उचाना सीट, जिस पे उचाना से जो चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी बृजेंद्र सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके फादर ने तो पहले ही बोल दिया कि 5,000 उनकी सीटें 5,000 उनकी वोट आई हैं लोकसभा में। अब इस सीट पे जो डिप्टी सीएम का बहुत बड़ा दावेदार है कि अगर ये सीट हार गए हैं, हार जाएंगे, एक सीट आने का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक सीट पे वो टक्कर में जो सबसे क्या हम बात करें कि टक्कर में कौन सी सीट है, तो वो जो टक्कर में जो सीट है वो उचाना सीट है, जहाँ से जो जींद में है, जो जींद डिस्ट्रिक्ट में उचाना जो सीट है उस पे सबसे बड़ी टक्कर है। अब इस पे क्या है कि जो वोट जजपा का जो वोट अगर ट्रांसफर ट्रांसफर अगर इंडियन नेशनल लोकदल में नहीं हुआ, अगर वहीं के वहीं कैंडिडेट उसमें रहते हैं, वोट रहते हैं, तो जीत निश्चित है। अगर वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे कि हर असेंबली में ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना, क्योंकि जब लीडर ही चले गए हैं उनके, ठीक है, होंगे लीडर, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो पक्की जीत है, अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो हार भी निश्चित है उचाना सीट से। अगर हार हो जाती है जजपा की, तो इससे दो बड़ी बातें होंगी हरियाणा की राजनीति में। जिस तरह से जजपा पार्टी बहुत जल्दी से ऊपर उठी है, उसी जल्दी से ही नीचे गिरने वाली है, पहली बात। दूसरा कि जजपा फ्यूचर में कभी 4 से 5 ML नहीं ले पाएगी, क्योंकि जो वोटर ट्रांसफर अगर एक बार हो गए हैं रियल पार्टी में, तो वो हो गए हैं, क्योंकि अगर हो भी सकते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी क्यों जाते हैं, तभी जाते हैं जब सरकार होती है या सरकार आने वाले होती है, इसलिए जाते हैं। तो यहाँ पे नई नवेली पार्टी के साथ क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। जजपा आज़ाद समाज पार्टी का काम भी इसमें इतना बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन कुछ उसमें जो दलित जो वोटर हैं, तो दलित वोटर में से कितने चले जाएंगे, ये एक बड़ी बड़ा एक क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे एक सीट का और आने की संभावना टक्कर में, और दूसरा वोट बैंक जो उसका 19 में रहा 10 सीटों का, वो वोट बैंक भी गिरने की बड़ी संभावना इस सीट पे रहेगी, ये एक है। इसके साथ एक हम आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं गठबंधन के साथ। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी है का समझौता हो नहीं पाया इंडिया ब्लॉक के बिहाफ पे कांग्रेस से, तो 5 और 7 सीटें वो मांग रहे थे, तो लेकिन मेरा इसमें ये सवाल था कि 5 और 7 सीटें उसको किस आधार पर दी जाए, क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत है 0.5% है, तो किस आधार पर दी जाए। हाँ, कांग्रेस का ये हो सकता था कि उसमें वो अभी दिल्ली में चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस उसमें बेनिफिट लेना चाहती थी, लेकिन दिल्ली में जैसे हालात हो गए हैं
तो मुझे पर्सनल नहीं लगता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी। मुझे पंजाब में भी फ्यूचर में नहीं लगता आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी। इसका एक रीज़न ये है कि आप जो आइडियोलॉजी जो लेके चल रहे हैं वो आइडियोलॉजी आपकी सर्व समाज के हित में नहीं बन रही है। सबसे बड़ा जो तबका है, जो दलित जो तबके ने आपको वोट दी हैं, तो उसमें उनको झाड़ू पकड़ाने का काम किया है। ये इसको एक बहुत बड़ी विडम्बना है। तो यहाँ पे ये एक पक्का है कि आम आदमी पार्टी का जो 0.5% वोट बैंक है वो बढ़ सकता है, नो डाउट। वो क्यों बढ़ सकता है? वो इसलिए बढ़ सकता है जहाँ बीजेपी ने अपने टिकटार्थियों को टिकट नहीं दी हैं, तो उसमें कुछ टिकटें आम आदमी पार्टी ने उनको दी हैं। इससे उनको फायदा होने वाला है। दूसरा ये है कि अभी जो आम आदमी पार्टी दो स्टेटों में सरकार में है, तो इसका भी बड़ा बेनिफिट वो लेके जाएंगे, नो डाउट। लेकिन उनका वोट बैंक 2 से 3% बढ़ सकता है। जहाँ से टिकट आने की संभावना है, यानी कि सीट आने की संभावना है, किसी भी असेंबली से, 90 असेंबली से, मुझे नहीं लगता कोई सीट वो जीत पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के संदर्भ में है। हाँ, प्रभावित जरूर करेंगे, नो डाउट, लेकिन सीट आने की कहीं से उनकी कोई संभावना नहीं है 90 सीटों में। ये अगर कोई आ जाती है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, अगर आ जाती है डेटा के आधार पे, या सेपरेट उनका कोई वजूद नहीं है, सेपरेट आम आदमी पार्टी का नहीं है तो जजपा का भी नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी का भी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का भी नहीं है, और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल का भी नहीं है। तो सेपरेट जिसका है वो आप जानते हैं कि उनकी सरकार है। अपोजिशन में भी बड़े पावरफुल पे हैं और दूसरे सीटों में भी सरकार है, ये भी बड़ी बात है। तो सेपरेट चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो ये मेरा ये विश्लेषण ये कहता है कि जो गठबंधन है, खासकर जो दो पार्टियों के बाद, जो इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और लोकहित पार्टी, टक्कर में 30 सीटों के टक्कर में है, बहुत ज़्यादा। अब सीटें उसकी कितनी आए, लेकिन उनका जो वोट प्रतिशत अगर 15% बढ़ गया, मान लीजिए दोनों का 15% वोट बैंक बढ़ गया, तो 15% वोट में 10 सीटें आनी लाजमी है। 15 भी आ सकती हैं। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।